हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? तो आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत इजी है, बहुत ही ईजी। लास्ट में हमने बात किया था टेरिडोफाइट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, और आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो मैंने एक बार ये बताया था कि हम प्लांट किंगडम में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हम प्लांट किंगडम के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अभी हम जो जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं ये एक हायर प्लांट है। हमने इससे पहले जितने भी प्लांट्स देखे, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सभी सीडलेस प्लांट हैं। कैसे प्लांट है? सीडलेस, ठीक है, इनमें सीड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बट जिम्नोस्पर्म इन तीनों प्लांट से एक हायर प्लांट है और इनमें सीड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आज से हम बात करेंगे सीडेड प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स, ये सभी सीडलेस प्लांट होते हैं जिन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। और आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में जो एक सीडेड प्लांट है, यानी इनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत ही इजी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म ये जो वर्ड है ये दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है जिम्नो, जिसका मतलब होता है नेकेड, और दूसरा है स्पर्मा, स्पर्मा, स्पर्म मतलब स्पर्मा मतलब सीड, समझ रहे हो ना। तो ये दो टर्म से मिलकर बना है, जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। यानी कि जिम्नोस्पर्म ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आने वाले जो सीड हैं उस सीड की चारों तरफ किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। लिखा हुआ है साहब सब, देयर इज नो ओवरी वॉल अराउंड द सीड। अब ओवरी वॉल से कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनो। एक फ्लावर है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, यानी फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कार्पल कहते हैं। ध्यान सुनना, कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, अगर आपने फ्लावर को पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे हम कार्पल कहते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्पल है वो तीन पार्ट से बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। जहाँ पे कार्पल का जो लोअर पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं, और उसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल से बनता है सीड, और उस ओव्यूल की चारों तरफ जो ओवरी है, ठीक है, वो उस ओविल को कवर करती है, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म ऐसा नहीं होता, मतलब कि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल बनते हैं, ओव्यूल, कि ओव्यूल से ही सीड बनेगा आगे जाके, ओव्यूल से ही सीड बनता है आगे जाके। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई ओवरी वॉल नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि फ्लावर है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है जिसे हम कार्पल कहते हैं, उस कार्पल का जो लोअर पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल से ही क्या बनता है आगे जाके, सीड बनता है। तो मेनली ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी की कवरिंग होती है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो ओव्यूल होते हैं उस ओव्यूल के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई ओवरी वॉल नहीं होती, ये नेकेड होती है। इसलिए कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स में आने वाले जो सीड्स होते हैं उन सीड के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई कवरिंग या ओवरी वॉल नहीं होती, ठीक है। तो देयर इज नो ओवरी वॉल अराउंड द सीड, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट ये है यहाँ पे, इसकी अगर अक्रेंस की बात करें तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में आने वाले जितने भी प्लांट्स की स्पीशीज हैं ये सभी के सभी कोल्ड एरियाज, कूलर एरियाज में पाए जाते हैं, ठंडे इलाके में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ, ठंडे इलाके में। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म बच्चों हर जगह नहीं पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की जो मोस्टली जो स्पीशी है वो कूलर एरियाज में, ठंडे इलाके में पाई जाती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, दे आर फेनरोगेम्स, ये फेनरोगेम्स होते हैं। अब ये फेनरोगेम्स क्या है? फेनरोगेम्स बच्चों मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स होते हैं। इससे पहले हमने जितने भी प्लांट पढ़े, टेरिडोफाइट, थेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ये सभी सीडलेस प्लांट होते हैं जिन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। बट जिम्नोस्पर्म बच्चों एक फेनरोगेम होता है। क्या होता है? फेनरोगेम, यानी ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स हो, और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड होता है लेकिन उसके सीड के चारों तरफ जो ओवरी वॉल की जो कवरिंग है वो नहीं होती है, लेकिन सीड तो होता है ना जिम्नोस्पर्म के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म एक फेनरोगेमिक प्लांट है, यानी ऐसे प्लांट को फेनरोगेम्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड हो, ऐसे प्लांट जो सीडेड हो, जिनमें सीड हो, ऐसे प्लांट को फेनरोगेम्स कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म एक फेनरोगेमिक प्लांट है, यानी दे आर फेनरोगेम्स, दे आर फेनरोगेम्स, समझ आया? नाउ जिम्नोस्पर्म की जो मेन बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, मींस डिप्लोइड होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं
ये पेयर्ड होते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की हर एक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, 23 का पेयर, ठीक है, जिसे हम डिप्लोइड कहते हैं। तो यानी ह्यूमन की बॉडी डिप्लोइड है, यानी स्पोरोफाइटिक एक तरीके से कह सकते हैं। उसी तरह से जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, मींस दे आर डिप्लोइड, यानी स्पोरोफाइटिक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मेन बॉडी कैसी होती है इनकी, स्पोरोफाइटिक। नाउ दे आर पेरिनियल प्लांट, PERENIAL, पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट मतलब ये हरे भरे होते हैं पूरे साल। क्या होते हैं ये हरे भरे प्लांट होते हैं, जो हमारे हरे भरे जो प्लांट होते हैं उन्हें पेरिनियल प्लांट कहते हैं। क्या है ये, दे आर पेरिनियल। सिंपल सी बात है, अगर ये हरे भरे हैं तो सिंपल सी बात है ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ये फोटोसिंथेटिक है। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर दी पेरिनियल एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट। यानी जिम्नोस्पर्म जो है बच्चों ये हरे भरे होते हैं, और हरे भरे हैं तो सिंपल सी बात इनमें क्लोरोफिल होगा, और अगर क्लोरोफिल है तो सिंपल सी बात है फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यानी सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म आर पेरिनियल एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट। इतनी बात समझ आई। नाउ नेक्स्ट, अगर इसकी स्टेम की बात करें तो इनकी जो स्टेम होती है बच्चों वूडी होती है, लकड़ी की तरह, ब्रांच्ड होती है और अनब्रांच्ड दोनों तरह की हो सकती है। जिम्नोस्पर्म की दो मेन स्पीसी होती है बच्चों, एक होता है स्पाइनस, स्पाइनस जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है, यानी जिम्नोस्पर्म की एक स्पीसी है, और एक होता है साइकस, CYCAS साइकस। ये दो मेन स्पीसी है जिम्नोस्पर्म की, जहाँ पे जिम्नोस्पर्म की जो पाइनस स्पीसी है उनके जो स्टेम्स होते हैं बच्चों ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड मतलब साइड साइड से निकले होते हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म की जो साइकस स्पीसी है, जो एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट है ये साइकस, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। तो सिंपल से मेरे कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म में आने वाले प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं ये मेनली वूडी होते हैं, और इनके स्टेम्स ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म की कुछ स्पीसीज ऐसे होंगी, मतलब जिम्नोस्पर्म में आने वाले कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके स्टेम्स ब्रांच्ड होंगे, ब्रांच्ड जैसे पाइनस के स्टेम्स ब्रांच्ड होते हैं, तो वहीं जिम्नोस्पर्म में आने वाले कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके स्टेम्स अनब्रांच्ड होंगे, जैसे साइकस जो एक जिम्नोस्पर्म है, इनके स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टेम्स इज वूडी, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अगर बात करें रूट की, तो इनके जो रूट्स होते हैं बच्चों टैप रूट होते हैं। क्या होते हैं वो, टैप रूट। अभी टैप रूट क्या होते हैं, टैप रूट आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये टैप रूट है क्या, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, ऊपर मिट्टी है, ध्यान सुनना, यहाँ पे एक निकला है क्या, ये रूट है, सपोज ये ऊपर स्टेम है, यहाँ पे ये क्या है, स्टेम, और ये रूट है नीचे की तरफ ऐसा, ठीक है। तो ये जो रूट की जो ब्रांच है इसकी मेन ब्रांच है, इसे प्राइमरी ब्रांच कहेंगे, प्राइमरी ब्रांच यानी 1 डिग्री ब्रांच, प्राइमरी ब्रांच। अब इसी ब्रांच के चारों तरफ यानी इस तरफ ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं, और इनके भी ब्रांचेस निकलते हैं इस तरह से, ठीक है, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी ब्रांच एंड टर्शरी ब्रांच, ठीक है बच्चों। तो टैप रूट क्या होते हैं, ये एक ऐसे रूट्स होते हैं जिनकी एक तो इनकी मेन एक्सिस होगी, ये इनकी मेन एक्सिस है जिसे प्राइमरी ब्रांच कहेंगे, और इस मेन एक्सिस के साइड में छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें सेकेंडरी ब्रांच एंड टर्शरी ब्रांच कहते हैं। ऐसे रूट को कहते हैं बच्चों टैप रूट, और हमें जिम्नोस्पर्म में मेनली टैप रूट देखने के लिए मिलता है। तो समझ आए टैप रूट क्या है। हालांकि आप इसे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कि आप इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, लेकिन समझ लो है क्या टैप रूट। और साथ ही साथ इनमें माइकोरिजल रूट और कोरिलोइड रूट भी देखने के लिए मिलता है। अब ये क्या है बच्चों, अगर जिम्नोस्पर्म के टैप रूट में अगर फंगस है, फंगस, ठीक है, तो ऐसे टाइप के रूट को माइकोरिजल रूट कहते हैं। आपने आपकी क्लास 11th की नोटबुक के अंदर एक टर्म है माइकोरिजा, क्या माइकोरिजा, माइकोरिजा बच्चों एक सिम्बायटिक एसोसिएशन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हमारे फंगस और हायर प्लांट के रूट के साथ होता है। माइकोरिजा एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि फंगस और जो जिम्नोस्पर्म जो एक हायर प्लांट है इनकी रूट के बीच में होता है, ये उनकी रूट्स के बीच में होता है, कौन, माइकोरिजा, ठीक है। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म की रूट्स जिनके अंदर फंगस हो और माइकोरिजा शो हो रहा हो, ऐसे टाइप के रूट को हम माइकोरिजल रूट कहेंगे। वो टैप रूट तो होगा, लेकिन अगर स्टेप रूट के अंदर अगर फंगस है तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा, एक सिम्बायटिक एसोसिएशन बन जाएगा, जिसको माइकोरिजा कहेंगे, और ऐसे रूट को माइकोरिजल रूट कहेंगे। ये हमारे टैप रूट का एक मॉडिफिकेशन है, माइकोरिजल रूट। और ये मेनली जो माइकोरिजल रूट है
ये हमें पाइनस में देखने के लिए मिलता है। किसमें? पाइनस में। तो ये ध्यान रखेंगे, नीट का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि माइकोलिजल रूट किसमें होता है, तो पाइनस में। इसी तरह से दूसरा है कोरेलोइड रूट। अभी क्या होते हैं देखो बच्चों, अगर जिम्नोस्पर्म का जो रूट है यानी टेप रूट, अगर जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ अगर फंगस एसोसिएट हो रहा है तो ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोरिजा कहेंगे और ऐसे रूट को माइकोरिजल रूट कहेंगे। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ अगर कोई एल्गे एसोसिएट हो रहा है, एल्गे, तो ऐसे रूट को कोरेलोइड रूट कहेंगे। ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कोरेलोइड कहेंगे और ऐसे रूट को कोरेलोइडल रूट कहेंगे। तो बात को ध्यान रखनी है कि अगर जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ कोई फंगस अगर एसोसिएट हो रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप यानी ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को माइकोरिजा कहेंगे और ऐसे रूट को माइकोरिजल रूट कहेंगे, जो हमें पाइनस में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ कोई एल्गे अगर एसोसिएट हो रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम कहते हैं कोरेलोइड और ऐसे रूट को कोरेलोइडल रूट कहेंगे, जो हमें साइकस में देखने के लिए मिलता है। किसमें? साइकस में। तो ये ध्यान रखना है, माइकोरिजल हमें पाइनस में देखने के लिए मिलता है तो कोरेलोइड में हमें साइकस में देखने के लिए मिलता है। अच्छा, नीट में यह क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट की रूट के अंदर जो एल्गे एसोसिएट होते हैं उनसे, वो कौन सा एल्गे होता है? तो वो साइनोबैक्टीरिया होता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है इनके अंदर। तो ये ध्यान रखें, कौन सा एल्गे? ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कहाँ होता है? ये जो माइकोरिजल रूट की जो अंदर वाली लेयर है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उनमें ये होता है। किसके अंदर होता है? ये जिम्नोस्पर्म की जो रूट की जो अंदर वाली लेयर है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उसके अंदर होगा। कौन एल्गे? कौन सा एल्गे? साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे होगा यहाँ पे, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। तो ये बात समझे, रूट तो रूट में मेनली ट्रेप रूट होते हैं। अगर इनके रूट के साथ कोई फंगस अगर एसोसिएट है तो ऐसे रिलेशनशिप को माइकोरिजा कहेंगे, ऐसे रूट को माइकोरिजल रूट कहेंगे, जो पाइनस में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर इनके रूट के साथ कोई एल्गे एसोसिएट है तो ऐसे रिलेशनशिप को कोरेलोइड कहेंगे और ऐसे रूट को कोरेलोइडल रूट कहेंगे, जो हमें साइकस में देखने के लिए मिलता है। कौन सा एल्गे होगा यहाँ पे? साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे। क्यों होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। नाउ अगर इसके लीव्स की बात करें तो इनके लीव्स सिंपल एंड कंपाउंड दोनों होती है और मेनली इनकी निडल का मतलब इनके लीफ का जो शेप है वो निडल लाइक होता है, निडल लाइक। ठीक है, आपने कुछ पेड़ देखे होंगे जिनके लीव्स निडल की तरह होते हैं, बिल्कुल पेने होते हैं, नुकीले होते हैं। ऐसे ही मोस्टली जिम्नोस्पर्म की लीव्स होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में आने वाले प्लांट्स के जो लीफ होते हैं मेनली वो निडल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? निडल लाइक यानी नुकीले होते हैं। ठीक है, अगली बात, इनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है यानी इनमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जो इनके अंदर इनके फूड, वाटर, आयंस, मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जहाँ पे इनके जाइलम में सिर्फ ट्रेकिट्स होते हैं, वेजल्स नहीं होते हैं। अभी ट्रेकिट्स वेजल्स क्या है? ट्रेकिट्स और वेजल्स जो है ना बच्चों, ये जाइलम के अंदर के एलिमेंट है। जहाँ पे जिम्नोस्पर्म के जाइलम में सिर्फ ट्रेकिट्स होते हैं, वेजल्स नहीं होते हैं, और वहीं जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सिर्फ सीप ट्यूब होती हैं। सीप ट्यूब ये भी एक कॉम्पोनेंट है फ्लोएम के अंदर का। तो फ्लोएम के अंदर दो मेन कॉम्पोनेंट होते हैं, सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सिर्फ सीप ट्यूब होते हैं, कॉम्पेनियन सेल नहीं होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगली बात कि जिम्नोस्पर्म में आने वाले जो प्लांट्स है बच्चों, वो शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्गेस्ट तीनों टाइप के होते हैं। यानी जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं और लॉन्गेस्ट भी होते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा जाती है, और इसका एग्जाम्पल दे रखा है रेड वुड ट्री। क्या? रेड वुड ट्री, इसका नाम है सिकाया ट्री, जिसकी लेंथ अप्रोक्स 110 मीटर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है नीट का कि इनमें से ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसकी लेंथ 110 मीटर से भी ज्यादा होती है? तो वह है रेड वुड ट्री, जिसका नाम है सिकाया ट्री। आपके एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है, तो अगर जरूर पढ़े एनसीईआरटी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्गेस्ट तीनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर दोबारा सुनते हैं चलो। जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड, यानी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई ओवरी वॉल नहीं होती, देयर इज नो ओवरी वॉल अराउंड द सीड। ठीक है ना, दे मेनली प्रेजेंट इन कूलर एरियाज, ये मेनली ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स मतलब कि जिम्नोस्पर्म एक सीडेड प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट यानी इनमें सीड होते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म को फेनरोगेमिक प्लांट भी कहा जाता है।
इसलिए कहते हैं कि दे आर फेनरोगैम्स। मेन बॉडी स्पोरोफाइटिक है यानी डिप्लोइड है, ठीक है। दे आर पेरिनियल प्लांट यानी ये हरे भरे प्लांट होते हैं, पेरिनियल है हरे भरे हैं, तो सिंपल सी बात है ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। तो कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म आर दी पेरिनियल एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट। इनके स्टेम्स वुडी होते हैं और इनके स्टेम जो है बच्चों ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों टाइप के हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की कुछ स्पीसी ऐसी होगी यानी जिम्नोस्पर्म में कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके स्टेम्स ब्रांच्ड होंगे जैसे पाइनस, तो कुछ प्लांट जिम्नोस्पर्म के ऐसे होंगे जिनके स्टेम्स अनब्रांच होंगे जैसे साइकस। इनके रूट की बात करें तो मेनली टेप रूट होते हैं। अगर इनके रूट में कोई फंगस एसोसिएट है तो ऐसे रूट को माइकोरिजा कहेंगे, ठीक है, ऐसे रिलेशन को माइकोरिजा कहेंगे और ऐसे रूट को माइकोरिजल रूट कहेंगे जो हमें पाइनस में देखने के लिए मिलता है। पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है यानी जिम्नोस्पर्म की स्पीसी है। लेकिन अगर इन्हीं जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ कोई एल्गे एसोसिएट है, एल्गे, तो ऐसे रिलेशन को हम कोरिलोइड कहते हैं और ऐसे रूट को हम कोरिलोइडल रूट कहते हैं जो साइकस में देखने के लिए मिलता है। इनकी लीफ जो होती है सिंपल और कंपाउंड दोनों होती है और मेनली इनकी जो लीफ है वो नीडल लाइक नुकीली होती है। इनमें वस्कुलर टिश्यू होता है यानी जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, जहां पे जाइलम में दो मेन कंपोनेंट होने चाहिए, ट्रेकिट्स एंड वेसल्स। बट जिम्नोस्पर्म के जाइलम में सिर्फ ट्रेकिट्स होते हैं और फ्लोएम में भी दो मेन कंपोनेंट होने चाहिए, सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। बट जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सिर्फ सीप ट्यूब होते हैं, नॉट कॉम्पेनियन सेल। और जिम्नोस्पर्म में आने वाले प्लांट शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्गेस्ट तीनों टाइप के हो सकते हैं। और कुछ प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के ऐसे हैं जिनकी लेंथ यानी हाइट 100 मीटर से भी ऊंची होती है, जिसमें एग्जांपल इसका रेडवुड ट्री यानी सिकाया ट्री, जिसकी लेंथ 110 मीटर के आसपास होती है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है नीट का। तो ये कुछ है हमारे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में कि जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कॉन्स के फॉर्म में है, जो दो तरह के हैं, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन, जिनको स्ट्रोबलाई भी कहते हैं। इनके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, मींस ये हिट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म, या रिप्रोडक्शन इन द जिम्नोस्पर्म। तो आज का टॉपिक था हमारा ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, जिम्नोस्पर्म के। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।